नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल स्नेल। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का आगाज हो चुका है। 28 मार्च को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 बॉल रहते 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 158 रन बनाए थे। जवाब में गुजरात ने लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। राहुल तेवतिया 24 गेंद पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ही टीमें पहली बार टूर्नामेंट में उतरी हैं। 3 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं अगर इस मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मैच में एक समय गुजरात टाइटंस का स्कोर 15 ओवर के बाद 4 विकेट पर 91 रन था। उसे अंतिम 5 ओवर में 68 रन बनाने थे। ऑफ स्पिनर दीपक हुड्डा ने अपने पहले 2 ओवर में 9 रन दिए थे और 1 विकेट भी लिया था। उसके बाद भी लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने हुड्डा को 3rd ओवर दिया। उन्होंने 16वें ओवर में 22 रन दिए और यहीं से मैच पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में चला गया। राहुल तेवतिया ने इस ओवर में 1 चौका 1 छक्का जबकि डेविड मिलर ने भी 1 चौका 1 छक्का जड़ा। आपको बता दें राहुल तेवतिया ने 24 गेंद पर 40 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट 167 का रहा। उन्होंने 2 बड़ी साझेदारी की, पहले डेविड मिलर के साथ 5वें विकेट के लिए 34 गेंद पर 60 रन जोड़े। इसमें तेवतिया ने 32 रन का योगदान दिया। फिर अभिनव मनोहर के साथ 13 गेंद पर नाबाद 23 रन की साझेदारी करके टीम की जीत पक्की कर दी। इस दौरान तेवतिया ने 6 गेंद पर 8 रन बनाए। अभिनव मनोहर 7 गेंद पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं अब आपको एक आंकड़े के बारे में बता दें, राहुल तेवतिया और केएल राहुल का आईपीएल में 36 का आंकड़ा है। इससे पहले 2020 में भी तेवतिया ने एक मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान राहुल के मुंह से जीत छीनी थी। उस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 223 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। उस मैच में तेवतिया ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शेल्डर कंट्रोल के 1 ओवर में 5 छक्के मारकर राजस्थान रॉयल्स को यादगार जीत दिलाई थी। इस मैच में तेवतिया ने 31 गेंद पर 53 रन बनाए थे और 7 छक्के लगाए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।